देखिए, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था ये पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक तरीके से बनाया गया था और आज उसी भावना के अनुसार यहाँ पे फैसला लिया गया है कि ये आगे भी पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक तौर पे ही काम करेगा। कि जो राजनीति के उसमें जा रहे हैं उनका अप्रैल में समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कमिटमेंट की थी, अभी अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई थी, बर्खास्तगी नहीं हुई है। अजय मिश्रा को जेल भेजा जाना चाहिए क्योंकि वो उस पूरे मामले में दोषी 120B के आरोपी हैं। इसमें जो अभी हमारे जो केसेस जो हटने थे वो केसेस भी अभी नहीं हटे हैं, जो मुआवजा मिलना था वो भी कई जगह नहीं मिला है, तो इसलिए हमने एक्शन प्रोग्राम दिया 31 तारीख का। अभिमन्यु कुहार साडे नाल मौजूद ने, जुड़दे हैं। अभिमन्यु जी, एक महीने बाद मुलाकात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई, इलेक्शन को लेकर एक बड़ी बात हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था ये पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक तरीके से बनाया गया था और आज उसी भावना के अनुसार यहाँ पे फैसला लिया गया है कि ये आगे भी पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक तौर पे ही काम करेगा। ठीक है, सो आज अभी जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं जो किसान, उसके ऊपर क्या रहे? देखिए, जो आज मीटिंग में फैसला हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया है, उसमें ये बात कही है कि भाई जो साथी गैर राजनीतिक हैं वही एसकेएम का वो रहेंगे, बाकी जो राजनीति के उसमें जा रहे हैं उनका अप्रैल में समीक्षा की जाएगी उनकी। ठीक है, सो अभी जो अभी 31 का एक प्रोग्राम रखा गया अगली मांगों को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे पेंडिंग इश्यूज थे उनको अभी पूरा नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। जो सरकार ने कमिटमेंट की थी, अभी अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई थी, बर्खास्तगी नहीं हुई है। अजय मिश्रा को जेल भेजा जाना चाहिए क्योंकि वो उस पूरे मामले में दोषी 120B के आरोपी हैं, षड्यंत्र रचने के वो आरोपी हैं। अजय मिश्रा जो आज गृह राज्य मंत्री बन के बैठे हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। जो हमारे निर्दोष किसान हैं जो गिरफ्तार किए गए जानबूझ के, उनको अब तक नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए उन सारे इश्यूज को लेके हमने ये नेक्स्ट कार्यक्रम रखा है 31 तारीख का, और इसमें जो अभी हमारे जो केसेस जो हटने थे वो केसेस भी अभी नहीं हटे हैं। जो मुआवजा मिलना था वो भी कई जगह नहीं मिला है, तो इसलिए हमने एक्शन प्रोग्राम दिया 31 तारीख का।